नमस्ते गुरु जी, नमस्ते गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा करें। एक बार फिर संगीता डबराल टोक्यो से गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप की मैं सक्रिय मेंबर हूँ और हम सबका ये प्रयास है कि आपके सामने हम शब्दों की व्याख्या अलग अलग भाषाओं में लेकर आ रहे हैं। तो आज का शब्द है राम राम करता सब जग फिरे, फिर राम ना पाया जाए। इसकी मैं हिंदी में व्याख्या कर रही हूँ, कोई भूल चुक हो जाए तो संगत जी प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास है व्याख्याओं, ताकि गुरु की बाणी घर घर तक पहुंच सके और जो पंजाबी नहीं समझते उनको उनकी ही भाषा में वो चीज़ समझ आए। तो शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। आप जैसा कि आपको पता है कि कॉपीराइट्स की वजह से हम प्ले नहीं कर सकते शब्द वाणी गुरु वाणी, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अर्थ है, सारा संसार मुंह से राम राम कहता फिरता है पर इस तरह प्रभु राम को नहीं पाया जा सकता। अगम अगोचर अत बड़ा, अतुल ना तुलिया जाए। अगम अगोचर अत बड़ा, अतुल ना तुलिया जाए। हे भाई, क्योंकि वह प्रभु राम अपहुंच हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, अतुल्य हैं। अतुल्य मतलब होता है जो तोला ना जा सके, उन्हें तोला नहीं जा सकता। तो हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमारी सारी इंद्रियों से परे हैं और वो हमारी पहुंच से बाहर हैं, अतुल्य हैं, अनंत हैं। कीमत किने न पाईया किते न लया जाए। कीमत किने न पाईया किते न लया जाए। हे भाई, कोई भी प्रभु राम की कीमत नहीं लगा सका। प्रभु राम की प्राप्ति का मूल्य किसी को भी नहीं पता और किसी जगह से मूल्य दे के भी नहीं खरीदा जा सकता। अर्थात ईश्वर को हम पैसों से नहीं तोल सकते, धन धान्य से नहीं तोल सकते। प्रभु तो, ईश्वर तो हमें, गुरु जी तो हमें भक्ति से ही मिलेंगे। कोई भी शक्ति है, कोई भी, वो सब भाव देखते हैं अपनी, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, बस ईश्वर तो भाव देखते हैं अपनी संगत में। तो कोई भी प्रभु राम की कीमत नहीं लगा सकता, ईश्वर की कीमत नहीं लगा सकता। प्रभु राम की प्राप्ति का मूल्य किसी को पता ही नहीं है और किसी भी जगह से मूल्य देके नहीं खरीदा जा सकता। गुरु के शब्द भेदया इन विविध वसया मन आए। गुरु के शब्द भेदया इन विद वसया मन आए। हे भाई, पर हाँ एक तरीका है, अगर गुरु के शब्द से मन भेदित हो जाए तो इस तरह प्रभु राम मन में आ बसते हैं। यहाँ पे हमें ईश्वर समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं कि एक तरीका है, गुरु के शब्द मन को भेद सकते हैं और जो मन को भेद दे तो फिर उसमें प्रभु राम बस जाते हैं। नानक आप अमेव है गुर, नानक आप अमेव है गुर, कृपा ते रहा समाए। कहे नानक प्रभु राम खुद तो गिनती से परे हैं, पर सदगुरु की कृपा से ये पता मिल जाता है कि प्रभु राम सारी सृष्टि में व्यापक है। सदगुरु की कृपा से ही हमें यह पता मिलता है कि ईश्वर कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है, सारी सृष्टि में है और हम उन्हें
मंदिर मस्जिद और उधर गुरुद्वारे में ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर हम सृष्टि पे, सारी सृष्टि पे नजर डालें तो हर जगह प्रभु राम है, ईश्वर है। आपे मिलिया मिल रहिया, आपे मिलिया मिल रहिया, आपे मिलिया आए। हे भाई, प्रभु राम खुद ही हर जगह मिला हुआ है और जीव के हृदय में खुद ही आके प्रकट हो जाता है। हे भाई, प्रभु राम खुद ही हर जगह मिला हुआ है और जीव के हृदय में खुद ही आके प्रकट हो जाता है। अतः सारी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में, फूलों में, पत्तों में, जानवरों में, इंसानों में, पहाड़ों में, हर जगह प्रभु, हर जगह। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ नहीं है, जहाँ ईश्वर नहीं है, जहाँ हमारे परमात्मा नहीं है? ऐसी कोई जगह है ही नहीं। वो हर जगह मिले हुए हैं और जीव के हृदय में ही खुद प्रकट हो जाते हैं। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। हे भाई, सारा संसार मुंह से राम राम कहता फिरता है, पर इस तरह प्रभु राम को पाया नहीं जा सकता। अगम अगोचर अत बड़ा, अगम अगोचर अत बड़ा, अतुल न तुले आ जाए। हे भाई, वह प्रभु राम अपहुंच है, इंद्रियों की पहुंच से परे हैं और बहुत बड़े हैं, अतुल्य हैं, उनको तोला नहीं जा सकता, हम उनकी कीमत लगा ही नहीं सकते। कोई भी मनुष्य, कोई भी संत महात्मा उनकी कीमत को लगा ही नहीं सकता, वो हमारी पहुंच से बाहर है। तो आज का शब्द यही समाप्त हुआ। बहुत ही प्यारा शब्द है संगत जनों, और गुरु की वाणी को सुनकर इतना आनंद आता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु वाणी सुनते हैं और उसकी अगर हमें व्याख्या, अर्थ समझ में आ जाए तो फिर कहने ही क्या, वो अमृत हमारे अंदर बस जाता है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम इसको घर घर तक पहुंच सकें, पहुंचा सकें। और सुरेश अंकल जी ने ये फेसबुक ग्रुप शुरू किया और हम सब उसमें जुड़ गए, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उनको सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सारे सेवादारों को ब्लेस करें, जहाँ जहाँ तक ये गुरुवाणी पहुँच रही है उन सबको, अलग अलग देशों में जहाँ भी हमारी संगत है या नॉन संगत है, उन तक ये गुरुवाणी पहुँच सके, यही हम सब लोगों का प्रयास है, यही हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है और हमारी कोशिश है कि हम लोग ये पहुँचा सकें और शायद हम इसमें कामयाब हो जाएँ। आप सब लोगों का हमें बहुत ही सहयोग मिल रहा है, सारी संगत का, तो सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमको आशीर्वाद दें, सारी संगत को आशीर्वाद दें गुरु जी अपना। और इस नवरात्रे में मैं ये प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से जल्दी सारी दुनिया को कोरोना से मुक्त कर दें और हमारे गुरु जी की ख्याति जगह जगह पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस ग्रुप से जुड़े, संगत से जुड़े, गुरुजी से जुड़े और शब्दों की व्याख्या को समझ सकें और हमें और भी भाषाओं में सेवादार मिलें। और भी सेवाओं में जो लोग हैं वो कृपा करके आगे आइए और इस सेवा को लीजिए, ये बहुत ही आनंद आता है। इससे आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, आप दूसरों के साथ अपना ज्ञान बांटते हैं और आपका भी, खुद का भी ज्ञान बढ़ता है। हमें पहले इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी बोलते थे कि आप शब्द सुनिए और उसके औरा में बैठिए, ना भी समझ में आए तो भी 2 घंटे शांति से मन लगा के सुनिए। तो अब जब से समझ आने लगी है तो और ही आनंद आने लगा है। सब आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को भी बहुत आनंद आए और सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, जय गुरुजी के संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना फेसबुक ग्रुप का इस सेवा देने के लिए। और कोई भी भूल चुक हो तो संगत जी माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा हमको। जय गुरु जी, जय गुरु।